देश की दिक्कत ये है कि युवाओं को भटकाया जा रहा है। सोशल मीडिया का जो इनका पूरा आईटी सेल है, झूठ के अलावा कुछ करता ही नहीं है। ना इनकी कानून में महिला की कोई इज्जत है। महिलाओं की जब बात आती है तो मंगलसूत्र ये वो बोल के उनको भटका दिया जाता है। कभी बोलते हैं मीट खाने वाले, कभी बोलते हैं मंगलसूत्र। ये सब हमारे देश के मुद्दे। महंगाई, इतनी महंगाई है, असली महिला की चोट महंगाई से है। जो महिला अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही, वो महिला के लिए क्या मंगलसूत्र मायने रखेगा? कोविड में कितनी महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र बेच बेच के अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने पति का इलाज करवाया, अपना इलाज करवाया, तब मंगलसूत्र नजर नहीं आया। ना इनकी पार्टी में एक ऐसा नेता है, सब गलतकारी भरे हुए, या तो महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, या तो महिलाओं का आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उनका अपमान करते हैं। हमारे देश को जरूरत है नारी न्याय की। सिर्फ एक नारी, दो नारी नहीं जो इनके मंत्रालय में इनके कठपुतली बने फिरती है। हर महिला सशक्त है कि वो अपनी आवाज उठाए। हमारे देश में एक ऐसे पढ़ा लिखा नेता की जरूरत है जो सिर्फ महिलाओं को कठपुतली नहीं, घरेलू वस्तु समझ के ना रखे, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करे। जो पतियों का माफ कर देते हैं लोन, तब देश पे बोझ नहीं बढ़ता, देश पे बोझ महिलाओं को उनका हक देने से बनेगा। ये जो भ्रष्टाचार का कह रहे हैं, ये क्या बीजेपी का नहीं देख रहे? बीजेपी ने कितना भ्रष्टाचार करा है? ये बस कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, बीजेपी ने कितना भ्रष्टाचार करा है? कोई भी नेता बीजेपी का जेल गया आज तक? नहीं गया आज तक जेल? बीजेपी का नेता आज तक जेल नहीं गया? क्यों नहीं गया? बीजेपी हिंदू मुसलमान में दंगे करा रही है, लड़ाई करा रही है, और नाम कांग्रेस का लगा रही है, और नाम आम आदमी पार्टी का लगा रही है। नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती, इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं। राम मंदिर बना के इलेक्शन आए तो राम मंदिर बनाया तुमने? पहले राम मंदिर नहीं बना सकते थे? इलेक्शन आने पर राम मंदिर बना रहे हो? क्योंकि पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें वोट किसको देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी है मौजपुर कांग्रेस कार्यालय में, आज कन्हैया कुमार यहाँ नॉमिनेशन करने आए हैं, और यहाँ पे जो है पिछली दो बार से मनोज तिवारी जीत रहे हैं, और कांग्रेस में भी काफी जोश दिखा है। आप कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ तक हम लगाए हुए हैं। हम यहाँ बात करें कुछ लोगों से। सर, क्या कहेंगे आप? 400 बार का नारा मोदी जी दे रहे हैं और आप लोग कहेंगे हम लोग सरकार बना रहे हैं? ठीक है जी, मोदी जी ने डे वन से जब से उनकी सरकार बनी है 2014 से लगातार झूठ का सहारा लिया है। झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। देश की जनता को गुमराह करने का काम नरेंद्र मोदी ने करा है। 400 बार का नारा जो उनका है, आज आप यहाँ भारी जो जुलूस देख रहे हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे पब्लिक देख रहे हैं, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली बार मोदी का 400 बार का नारा बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। जो राहुल गांधी ने बोला कि 150 बार नहीं कर पाएंगे, तो अबकी बार जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, वो हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी से परेशान हो चुकी है, नरेंद्र मोदी से बिल्कुल वोट देना नहीं चाहती है। इसके बाद आप देख लेना 150 बार बीजेपी सरकार नहीं जाने वाली। भाजपा जो है लगातार कह रही है, मोदी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है और कांग्रेस जो के जो अलायंस है वो अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं। परिवारवाद, अमित शाह का बेटा जैसा उसने कभी जीवन में क्रिकेट नहीं खेला, उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया, क्या वो परिवारवाद नहीं है? राधा सिंह का बेटा पंकज सिंह नोएडा से एमएलए बना है, वो परिवारवाद नहीं है? अगर कांग्रेस में आपको परिवार दिखता है, बीजेपी के अंदर परिवारवाद नहीं है? बीजेपी के सैकड़ों जो नेता है सबके बच्चे आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगे हुए हैं, वहाँ परिवारवाद नहीं है? ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी के सारे भाषण आप सुन लो, एक भाषण में वो ये नहीं बोल पा रहे कि 10 साल की उनकी उपलब्धि क्या है। वो सिर्फ कांग्रेस का पोषण का काम कर रहे हैं। कांग्रेस आ जाएगी तो मंगल छीन लेगी, कांग्रेस आ जाएगी तो अपनी जमीन छीन लेगी। मतलब 10 साल तक सरकार तुम्हारी है वो छीन कांग्रेस लेगी। कांग्रेस की 55 साल सरकार रही है, क्या कांग्रेस ने किसी को परेशान किया? कांग्रेस ने देश को बनाने का काम किया, कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और नरेंद्र मोदी के झूठ का पर्दाफाश होने जा रहा है। अब की बार भारी मोहब्बत से इंडियन गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैम, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का मंगल सूत्र छीनने जा रही है शासन में आने के बाद। देखिए, मोदी जी का काम है झूठ बोलना, अब मोदी जी चुनाव हार रहे हैं तो उनको औरतों का मंगल सूत्र याद आ रहा है। उन्हें बेरोजगारी पे बात नहीं करनी, उन्हें महंगाई पे बात नहीं करनी, मंगल सूत्र की बात करनी है, जिससे एक माहौल ऐसा बनाना है, क्योंकि वो हार रहे हैं। वो इस तरह की बातें करके अपने आप को चुनाव में साबित कर रहे हैं कि वो इस लायक नहीं है आप सरकार चला सकते। सर, उनका कहना है कि उनके कार्यकाल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पे आ गई है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत काम किया है। वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस टाइम पे अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर आ गई थी, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई थी, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के प्रधानमंत्री के होने की वजह से देश के अंदर आर्थिक मंदी नहीं आई थी। मोदी सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है। जीडीपी 0% पे पहुंच गई थी, अभी आपने देखा होगा। उसके बाद हिंदुस्तान के उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है सरकार ने। क्या देश का किसी गरीब का लोन माफ किया है?
क्या किसी का कर्जा माफ किया, क्या किसानों के एमएसपी बढ़ा दी उन्होंने, कोई काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है और झूठ का पर्दाफाश बहुत जल्द इनका होने वाला है। सर यहाँ से दो बार मनोज तिवारी जो है यहाँ से सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार हैट्रिक मारने के लिए फिर से उन्हें खड़ा किया गया, छह सांसदों का चेहरा बदला गया है, दिल्ली में 7 सीटें हैं, यहाँ से कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं आप लोगों की पार्टी से, क्या लग रहा है इस बार मनोज तिवारी अपना हैट्रिक मार लेंगे या कन्हैया कुमार? उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता मनोज तिवारी से त्रस्त हो चुकी है। 10 साल में बीजेपी का एक कार्यकर्ता बता दे कि अब की बार मनोज तिवारी ने उसका 10 साल में ये काम किया है। मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मनोज तिवारी ने कोई प्रोजेक्ट किया, जितने काम के उद्घाटन करने की बात वो बोलते हैं सारे के सारे काम कांग्रेस के जमाने के हैं। कांग्रेस ने फंड पास कराया, कांग्रेस ने प्रोजेक्ट बनाए, कांग्रेस ने शिलान्यास किया, उद्घाटन करने का काम किया। एक काम गिरा दे, मेरा ओपन चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से मनोज तिवारी को, वो गिरा दे और मेरे से डिबेट कर ले कि कौन सा काम मनोज तिवारी ने क्षेत्र के अंदर किया। एक गाँव 2014 में उन्होंने गोद लिया था चौहान पट्टी, आज उस गाँव के जाकर हालत देखो, वहाँ वीडियो बनाओ, मैंने वहां जाकर वीडियो बनाई है, आज उस गाँव के हालत बद से बदतर हो गए हैं। जो गांव इन्होंने गोद लिया है उसको इनको संभाला नहीं गया, क्या उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को संभालेंगे, क्षेत्र को संभालेंगे? आज पूरा हलवा पड़ा है, चाहे ट्रैफिक की समस्या ले लो, चाहे पार्कों की समस्या ले लो, चाहे आप यहाँ के लोगों की समस्या ले लो, एक काम मनोज तिवारी ने नहीं किया। उत्तर पूर्वी की दिल्ली की जनता मनोज तिवारी से त्रस्त है और बहुत भारी मौसम मोहम्मद से यहाँ से कन्हैया कुमार जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही चुनाव में जो है संविधान बचाने का नारा दिया है, जहां एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि संविधान हम बचाएंगे, उसी तरफ दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान और आरक्षण हम बचाएंगे, और उनका कहना है कि आपके समय पे आपातकाल लगाया गया था तो संविधान की धज्जियां आप लोगों ने उड़ाई है। संविधान को कुचलने का काम किया मोदी सरकार ने किया है, आज देश के अंदर ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, मतलब विपक्ष को डराया जा रहा है। आज मोदी के खिलाफ कोई बोलने को बोले ना इस देश के अंदर, चाहे वो कितने गलत काम करे, चाहे वो दो पतियों का कर्जा माफ करे, चाहे वो पूरे देश को बेच दे, एक के बाद एक संस्था को उन्होंने बेचने का काम किया, देश के सारे एयरपोर्ट बेच दिए, बीएसएनएल बेच दी, एलआईसी बेच दी, सब बेचने का काम मनोज तिवारी ने किया। लेकिन आज अगर विपक्ष का कोई नेता आवाज उठाता है तो उसको ईडी से डराया जाता है, सीबीआई से डराया जाता है, पुलिस से डराया जाता है और जेल में डालने का काम इस सरकार कर रही है। दो दो मुख्यमंत्री जो जेल में डाले हैं, देश की जनता सब देख रही है, जो तानाशाही सरकार इस देश के अंदर चल रही है, इनको बहुत भारी अब की बार जवाब मिलने जा रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के दम पे चुनाव जीता जाता तो कांग्रेस कभी चुनाव हारती ही नहीं। कांग्रेस ने कभी भी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया जिस तरीके से इन्होंने किया है, आपने भी देखी होगी इस टाइम पे कांग्रेस की सरकार, 10 साल हमारी सरकार रही है भी पीछे 10 साल पहले, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने किसी विपक्ष नेता को कुचलने का काम नहीं किया। जिस तरीके से ये इन संस्थाओं को दुरुपयोग कर रहे हैं उस सारे उस आवेदन को आपकी जनता देख रही है और आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं अब की बार इनकी तानाशाही नहीं चलने वाली, इनकी तानाशाही को अब की बार हिंदुस्तान की जनता खत्म करेगी। धन्यवाद सर। हमारे साथ यहाँ क्या नाम है? सर मेरा नाम जस्टिन सिद्दीकी है और मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ और एक इंदिरा फेलो हूँ। आप इतनी कम उम्र में जो है अभी नॉमिनेशन में आई है, कांग्रेस का झंडा लेके आई हुई है, तो क्या कारण है कि इतनी कम उम्र में आप पॉलिटिकल रूप से एक्टिविस्ट हो गई? सर हमारे देश की दिक्कत ये है कि युवाओं को भटकाया जा रहा है, कभी इंस्टाग्राम पे झूठ फैला रहे, कभी यूट्यूब से झूठ फैला रहे, सोशल मीडिया का जो इनका पूरा आईटी सेल है झूठ के अलावा कुछ करता ही नहीं है, ना इनकी कानून में महिला की कोई इज्जत है, महिलाओं की जब बात आती है तो मंगलसूत्र ये वो बोल के उनको भटका दिया जाता है। महिलाओं को भी रोजगार चाहिए, महिला आज इतनी सशक्त है कि अपने पैरों पर खड़े होकर अपना घर चला सकती है, पर ये इनसे देखा नहीं जाएगा, इनको बस महिलाओं को पीछे ढकेल है, क्योंकि अपनी बीवी को छोड़ के आए हैं, वो देश की महिलाओं को क्या इज्जत देंगे, ना इनके देश में ना इनकी पार्टी में एक ऐसा नेता है, सब बलात्कारी भरे हुए, या तो महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, या तो महिलाओं का आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उनका अपमान करते हैं। हम इसलिए पढ़े लिखा नेता के साथ आए, ये कांग्रेस वादा कर रही है नारी न्याय देने का, हमारे देश को जरूरत है नारी न्याय की, सिर्फ एक नारी दो नारी नहीं जो इनके मंत्रालय में इनके कठपुतली बने फिरती है, हर महिला सशक्त है कि वो अपनी आवाज उठाए। उनका कहना है कि आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, महिलाओं के क्षेत्र में लाडली बहन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारी योजनाओं का नाम लेते हैं। सर योजना के लिए सिर्फ 2-4 लोगों को 200 रुपए दे के लाके फोटो खिंचवाने से योजना नहीं बनती, इनकी उज्ज्वला योजना कहीं दिल्ली की औरतों तक नहीं पहुँच रही, तो देश और गाँव की औरतों तक क्या पहुँचेगी? आदिवासी महिलाओं को इन्होंने क्या राष्ट्रपति बनाया ये कह रहे, उन महिलाओं को खड़ा करके रखते हैं। हमारे देश का पार्लियामेंट लॉन्च होते हैं, देश का जो सबसे बड़ा उच्च पद है जिसका जो सबसे पहला नागरिक है देश का, उसको ये बुलाते नहीं है तो कहाँ से महिलाओं का कल्याण करेंगे? ये हमारे देश में एक ऐसा पढ़ा लिखा नेता की जरूरत है जो सिर्फ महिलाओं को कठपुतली नहीं, घरेलू वस्तु समझ के ना रखे, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करे। महिलाओं का हक बनता है, इस देश में आधी आबादी है, पूरा हक बनता है। तो
तो महिलाओं के लिए जो है राहुल गांधी महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं जिसमें 8,500 रुपए दिया जाएगा, तो क्या देश पे बोझ नहीं पड़ेगा? सर देश पे बोझ तब नहीं बनता जब ये 8 लाख 10 लाख 15 लाख का सूट पहनते, देश पे बोझ तब नहीं बनता जब ये नेता खरीदते, देश पे बोझ तब नहीं बनता जब ये लोग बोलते हैं कि हमारे प्रचार करो, ये करो, वो करो, हर चीज में, हर पोस्टर में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं वो देश का, उन्हें जब ये लोग माफ कर देते हैं कि कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर देते हैं लोन, तब देश पे बोझ नहीं पड़ता। देश पे बोझ महिलाओं को उनका हक देने से बनेगा, ये उन महिलाओं के लिए है जो घर से बाहर निकल नहीं पाती, घर पे वो अपना परिवार चला रही है और उनको उनके अधिकार नहीं मिलते, उन महिलाओं के लिए। तो मैं सोचती हूँ महालक्ष्मी योजना बहुत अच्छी योजना है। महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने की मोदी जी कह रहे हैं, कांग्रेस आ जाएगी? सर महिलाओं का मंगलसूत्र 60 साल में छीना नहीं, 70 साल में छीना नहीं, आप ये आके इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कभी बोलते मीट खाने वाले, कभी बोलते मंगलसूत्र, ये सब हमारे देश के मुद्दे। महंगाई, इतनी महंगाई, असली महिला की चोट महंगाई से, जो महिला अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही वो महिला के लिए क्या मंगलसूत्र मायने रखेगा? कोविड में कितनी महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र बेच बेच के अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने पति का इलाज करवाया, अपना इलाज करवाया, तब मंगलसूत्र नजर नहीं आया। गंगा के घाट में इतनी लाशें तैर रही थी, अंतिम संस्कार करने के लिए भी अपना मंगलसूत्र बेचा, तब नजर नहीं आया। चलिए हमने बात इनसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम शर्मा है। आपकी उम्र इतनी कम है और अभी आप जो है राजनीतिक आंदोलन में आई है, तो क्या कारण है? अभी तो आपकी पढ़ाई की उम्र है, क्योंकि आप देखिए आप जैसे राजनीतिक आया है, आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी राजनीति के बारे में पता चलना चाहिए, अगर उन्हें अब राजनीति के बारे में नहीं पता चलेगा तो कब पता चलेगा? तो हम यही चाहते हैं हमारे देश के जितने बच्चे हैं उन्हें सबको राजनीति के बारे में पता चले कि पॉलिटिक्स का हमारे इंडिया के ऊपर क्या रोल है। जैसे हमारी 3 पार्टी है, कांग्रेस, नेशनल पार्टी है और हमारी बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी है। जैसे हमने देखा गया है कि जो बीजेपी पार्टी है वो महंगाई कितनी बढ़ा रही है, हमें खाने के लिए भी टैक्स देना पड़ रहा है, पहले ऐसा इंडिया में नहीं था कि खाने के लिए भी टैक्स देना पड़े, हर चीज पे टैक्स लगा रही है, लेकिन बीजेपी को कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने सबके लिए सिलेंडर फ्री कर दिए, सबके बीजेपी ने सबके लिए जो गांव की हालत थी गांव की हालत में सुधार लाए, तो बीजेपी बीजेपी सब लोग बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी ये नहीं देख रही कि कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी हमारी सबसे पुरानी पार्टी है, 29 दिसंबर 1885 में नेशनल कांग्रेस पार्टी का उद्घाटन हुआ था, नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी, तो कोई ये नहीं देख रहा कि नेशनल कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के लिए क्या करा है। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के लिए हमें क्या कह रहे हैं कि 70 साल में भ्रष्टाचार किया है, ये जो भ्रष्टाचार का कह रहा है ये क्या बीजेपी का नहीं देख रहे हैं? बीजेपी ने कितना भ्रष्टाचार करा है, ये बस कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, बीजेपी ने कितना भ्रष्टाचार करा है। कोई भी नेता बीजेपी का जेल गया आज तक नहीं गया, आज तक जेल बीजेपी का नेता आज तक जेल नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें वोट किसको देना चाहिए, पब्लिक सिर्फ फ्री 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 चीजों के पीछे भाग रही है, लेकिन अब पब्लिक नहीं समझेगी तो कब पब्लिक समझेगी? पब्लिक को ये समझना चाहिए ना कि हमारा असली नेता कौन है, हमें जो राजनीति क्या है, राजनीति दो चीजों से शब्दों से बना है, राज प्लस नीति, राज्य मतलब राज्य और नीति सही रास्ते पे ले चलना, नीति का मतलब होता है सही रास्ते पे ले जाना, तो क्या हमारी बीजेपी सही रास्ते पे ले जा रही है? हर चीजों में महंगाई बना रही है, हर चीज में वो कर रही है, बीजेपी सही रास्ते में नहीं ले जा रही है, बीजेपी हिंदू मुसलमान में दंगे करा रही है, लड़ाई करा रही है और ना कांग्रेस करा रही है और ना आम आदमी पार्टी करा रही है, तो ये कैसे बीजेपी है? सब लोग बीजेपी के पीछे भाग रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे, नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आ रही, इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं, बस राम मंदिर बना के इलेक्शन आए तो राम मंदिर बनाया तुमने, पहले राम मंदिर नहीं बना सकते थे, इलेक्शन आने में राम मंदिर बना रहे हो, तो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए, हमें अपना वोट खुद चूज करके देना चाहिए कि किसको, जो हमारे काम के लायक हो, जो नेता हमारे काम के, जो नेता हमारे लिए सब कुछ करे, औरतों का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे। केजरीवाल ने इतने स्कूल बनाए, सरकारी स्कूलों की हालत पहले से इतनी सही हुई है, लेकिन तब भी केजरीवाल को आज जेल में बंद है। क्यों जेल में बंद है? बीजेपी के कारण। बीजेपी चाहती है कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, वो कांग्रेस पे और आम आदमी पार्टी पे इल्जाम लगाएगी कि इन्होंने ये करा, इन्होंने ये करा, और बीजेपी अपने साइड में रहेगी और सब लोग पब्लिक पागल बन के बीजेपी को वोट देंगे। तो अभी अभी हमने बात की कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता से, यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करने को। सर क्या कहेंगे? मनोज तिवारी लगातार 2 बार से हैट्रिक के लिए इस बार वो दम लगा रहे हैं और यहाँ कन्हैया कुमार भी हैं। देखिए कन्हैया कुमार के सामने मनोज तिवारी मात्र एक तिनका है, मात्र एक तिनका है उसके सामने, मतलब मनोज ये कन्हैया तो बहुत बहुत पढ़ा लिखा, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा नीति सुलझा हुआ आदमी है, इसे तो मात्र कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता ही हरा देता इस बार। लेकिन कन्हैया हमारे पास सिर्फ 3 सीट है और 4 सीट आम आदमी पार्टी के पास है। देखना इस बार दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर इंडिया अलायंस का परचम लहराएगा और महंगाई, मोदी को महंगाई
जो इसके नेताओं ने बलात्कार किया, जो इन्होंने महंगाई बढ़ाई, महिलाओं के साथ दुराचार किया, और जो इन्होंने क्या नाम है देश के अंदर जो अपने अपने दोस्तों का कर्ज माफ किया, जो देश पर में 70 साल में 54 लाख करोड़ था, आज देश पर 255 लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे चीजों का हिंदू मुसलमान का ये सारी चीजों को हटाना है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना करके देश को भाईचारा मिला करके हमें इस देश को फिर से उसी रास्ते पे ले जाना है जिस रास्ते पे पहले था। हमको नहीं तो ना हमें महंगाई चाहिए, ना महिलाओं को परेशानी चाहिए। स्टूडेंट पढ़े तो अच्छी शिक्षा ले, रोजगार बहुत अच्छे मिलने चाहिए। 30 लाख नौकरियां आते ही कांग्रेस के शासन में खुल जाएंगी। जो लोग परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी नौकरी कर रहे हैं, उनको सीधा सरकार के अंदर परमानेंट किया जाएगा। जो लोग महिलाएं हैं उनको 50% उनको सुविधा दी जाएगी, नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, नौकरियों में भर्ती किया जाएगा, और ग्रेजुएट को स्टाइपेंड दिया जाएगा, और जो बेरोजगार है, जो महिलाएं हैं घर की, जो बुजुर्ग है, उनको 1 लाख रुपए साल का दिया जाएगा। कांग्रेस योजना लाई है, इनके पास क्या योजना है? ये तो हमेशा जब हारते हैं हिंदू मुसलमान आपका मंगल सूत्र छीन लेंगे, मुसलमान आपका घर छीन लेंगे। अरे यार, 70 साल में अब्दुल कलाम रहा हमारे यहाँ और दूसरे राष्ट्रपति भी रहे, जब तो हमारे देश का किसी ने मंगलसूत्र, किसी का घर नहीं छीना, किसी पे कोई आंच नहीं आई। आज 2014 के बाद मोदी क्या आ गया, हिंदू मुस्लिम करते करते उसने देश के लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं, विकास और मुद्दों की बात करनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं था। हमेशा एक पढ़ा लिखा, एक समझदार, एक अच्छा आदमी देश का प्रधानमंत्री बने, जिसके पास योजनाएं हों, जो योजनाएं ला सके, जो पढ़ा लिखा हो, देश के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सके, विदेशों के सामने प्रेजेंट कर सके, ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए था, और वो कांग्रेस लाएगी और देश का उत्थान होगा, देश का उद्धार होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। तो अभी अभी आपने सुना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, जो बड़े बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग जो है कन्हैया का नाम ले रहे हैं और कांग्रेस का नारा लगा रहे हैं, और संविधान बचाने की लड़ाई, आरक्षण बचाने की लड़ाई जो है कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि इसी दिन हम पे चुनाव जीता जाएगा। और मौजपुर में अभी हम हैं और जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो भीड़ जो है पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ काफी संख्या में आए हैं, ठीक उतनी संख्या, उससे भी कहीं ज्यादा संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है। इस इतनी कड़ी धूप में भी जो है कार्यकर्ताओं का जोश देखने को बनता है। हमारे साथ एक भाई साहब है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहसिन रजा। मोहसिन जी, 2 बार से यहाँ मनोज तिवारी लगातार जीत रहे हैं, 7 लोकसभा सीटें हैं, 6 पे भाजपा ने अपना चेहरा बदला लेकिन मनोज तिवारी को नहीं हटाया, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये जीतने वाली कैंडिडेट है, और यहाँ कन्हैया कुमार आए हैं, क्या लग रहा है, क्या होगा? देखो, 7 सीट पे दिल्ली की 7 सीटों पे भाजपा का सुपड़ा साफ है। बात आपने कही कि 6 टिकट बदले, 1 भी बदला, 1 टिकट यूं नहीं बदला कि वो मनोज तिवारी का टिकट इसलिए नहीं बदला गया, वो अमित शाह को मोदी को लाइक करते हैं, वो उनके लिए जैसे भी वो कहते हैं झूठ सच अच्छा बुरा सब चीज कहते हैं उनके लिए। वो जो कैंडिडेट बदले हैं वो भाजपा माइंड के नहीं थे, कहीं ना कहीं उनके मन में सेकुलर था। भाजपा अमित शाह मोदी ये चाहता नहीं है। 10 साल में मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्व लोकसभा में कुछ नहीं किया, कुछ भी, 10 विधानसभा में 10 दिन नहीं आए 10 साल में, और अब बीजेपी के 7 सांसद का सुपड़ा साफ है। कन्हैया कुमार बहुत अच्छे महाजन से जीत गए यहाँ पे। तो आपने सुना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो लगातार हुजूम उमड़ता हुआ, इतनी धूप में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने झंडे के साथ, संविधान बचाने की लड़ाई के नारों के साथ जो है वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपकी क्या है, आपकी राय, आप मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय, कैमरामैन आशीष के साथ, धन्यवाद।